वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? मरियम। आमना। बीबी का नाम? नूर ज़ारा। ओके जी, मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है जिसका जो स्केलेटन है वो उसके जिस्म के ऊपर है, उसका जो ढांचा है वो उसकी बॉडी के ऊपर है। जिंदा। आपने वो देखा होगा, कोई इतना नहीं है, घर में भी शायद देखा हो। क्या हो सकता है? सॉरी। कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे आप? ब्यूटी टिप दूंगी, एलोवेरा जेल रात में सोने से पहले लगा लें तो वो स्किन काफी ग्लो करेगी। जबरदस्त, ये ले। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी। आज हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? रजाला। आपका नाम? एहसन। क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके जी, क्या शॉपिंग करने आए हैं? हम जरा ग्रोसरी वगैरह खरीदने आए हैं। और आप भी? वैसे ही साथ ही आए हैं घूमने फिरने। ओके, शॉपिंग के दौरान हेल्प करते हो मॉम की या तंग करते हो? ज्यादातर हेल्प करता हूँ। ठीक हो गया। चले जी, मुझे ये बता दें कि वो कौन सा जानदार है जो किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो अपने पाँवों से कर लेता है, लाइक उसे खाने की जरूरत नहीं, वो पाँव रखता है, वो टेस्ट कर लेता है। जानदार है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत डिमांड है उसकी, मतलब लोग उसको पसंद करते हैं देखना। और आम आपने देखा होगा घर के बाहर कहीं? बिल्ली? नो। बाहर तो डॉग और कैट ही होते हैं। जानदार है, खुद सोचें। डॉग और कैट जानदार ही होते हैं। और सोचें। ये परिंदा है कोई? माइट बी, मैंने जानदार बोला है, जानवर नहीं बोला। ये मे भी कोई चील वगैरह कोई? नहीं। कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे आप? मैं आप पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो आवाम है उसको चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा साफ़ रखने की कोशिश करे। वो कहीं पे भी हम विज़िट करें, कहीं पे नारायण कगान या किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती को मान किया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद डाला जाता है। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, उसकी खूबसूरती को हमेशा कायम रखना चाहिए ताकि वो और भी विज़िटर आएँ और अगर बाहर से लोग आएँ वो भी पाकिस्तान को देख के ये फ़ख्र करें कि हम यहाँ पर आए थे। वेरी नाइस, बिल्कुल। और आप क्या शेयर करेंगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा हुकूमत की हामी हूँ इस वक्त, और ये तब्दीली जो आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर जो उन्होंने वादे किए हैं अगर वो पूरे करते हैं उनकी हेल्प करना चाहिए, ना कि उन पे तनकीद कर करके उन्हें और बुरा बनाना चाहिए। ये अब इतनी अच्छा देख लिया हुकूमत को, जो नून लीग की है उसको बहुत देख लिया, अब इनको भी मौका देना चाहिए और टाइम दें ताकि वो अपने काम मुकम्मल कर सकें। और दूसरा ये है कि मैं बहुत अच्छे कबाब बनाती हूँ, एक रेशमी कबाब है, उसमें मैं वो गोश्त के साथ, मुर्ग का गोश्त भी होता है और बीफ का गोश्त भी होता है, उसके साथ थोड़ी सी दाल डाल दें, थोड़े आलू और मटर डाल के उसको गला के फिर उसको बनाते हैं, तो वो बहुत बहुत मज़े की बनती है और सारे लोग जब खाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। उसमें मैंने वो बताया ना सारे मसाले, तो एक अलग डालने हैं ना जो भी, हाँ ओनियन गार्लिक सब, वो सब जिंजर वगैरह सब डालते हैं, और सारा जो गरम मसाला है वो भी डालना है, नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ डालते हैं, उसमें आलू और मटर शामिल करते हैं, उससे वो कबाब का जायका ही बेइंतहा अलग जाता है, इतना मज़े के होते हैं कि आप बनाएं तो मुँह से नहीं उतरते, इतने अच्छे होते हैं। अरे वाह ज़बरदस्त। और मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि बीफ और चिकन और मटर आलू एक साथ। हाँ जी, मटर आलू बीफ चिकन इनको ना अच्छी तरह गला ले, उसके बाद इसके कबाब बना के ना उसके ऊपर वो जो ब्रेड क्रम्स होती है ना वो लगा के फिर उसको फ्राई कर ले आप, तो ये इंतहाई टेस्टफुल होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये आपने खुद इजाद की थी रेसिपी या कहीं दिखाई थी? ये इसको लिबनानी कबाब कहते हैं। अच्छा, लिबनानी कबाब, ज़बरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी। नाजिन, बड़ा मजा आया किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुलसुम जावेद। आपका नाम? कौन सी क्लास में हो? अभी हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ओके, आप क्या करती हैं? आई एम हाउसवाइफ। ओके, यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पर बस शॉपिंग के लिए। ओके जबरदस्त। चले जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है? हाँ जी। मुझे बताएं सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज मगरिब से? नहीं,
सूरज कहाँ से निकलता है? ये नहीं मुझे पता। क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करूँगी। बताएं। स्टीम चिकन की रेसिपी है। आप सबसे पहले एक चिकन ले लें, उसके अंदर दही डालें, साथ ही उसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर डालें, साथ लाल मिर्च डालें, नमक, हल्दी, साथ चाट मसाला डालें, साथ थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबल स्पून, वो डाल के उसको स्टीम के लिए रख लें। अगर बाद में आप उसे रोस्ट करना चाहते हैं तो रोस्ट कर लें, नहीं तो स्टीम दे दें, और ये आपका चिकन तैयार है। ये आप सर्व कर सकते हैं विद स्पाइसी राइस एंड वन एनी अदर थिंग। ज़बरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। यू वेलकम जी। नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई है। मज़े की बात यह है कि जब इस तरह के लोग रेसिपीज बताते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। इससे क्या होगा कि जो घर का जो मेन्यू है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाइमा। क्या करती हैं आप? जॉब। क्या जॉब? मार्केटिंग। ज़बरदस्त। चलिए जी, सवाल करूँ आपसे। मुझे बताएं जो सीज़र है वो किसने ईजाद की थी? आई हैव नो आईडिया। क्या शेयर करेंगे? रेसिपी छोटी सी बता दें। दही बड़ों की ना, दही बड़ों की जो बेसन से बनते हैं, बेसन को फेंट के हमने पहले रख देना है, इसमें नमक मिर्च डाल के और उसकी छोटी छोटी फुलकियाँ बना लेनी है। फिर उसको दही को फेंट के हमने उसके अंदर गार्लिक एंड ज़ीरा दोनों को और ग्रीन चिली दोनों को मसाला बना के और उसके अंदर ऐड करके फिर फुलकियाँ उसके अंदर डाल देना। दिस इज़ डिलिशियस जी। ज़बरदस्त। बनाती रहती हैं आप? यस, बहुत फेमस है ये मेरी। अरे वाह, ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। ये वेलकम जी। नाज़रीन, उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई और बड़ा अच्छा लगता है मगर कि वो चीज़ें जो बहुत आसानी से बाजार से मिल जाती हैं मगर फिर भी आप वो घर में बनाएं, वेरी नाइस। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां अनस। बेबी का नाम? आयरा अनस। क्या उम्र है इसकी? 1 ईयर ओल्ड। 1 ईयर की है, माशाल्लाह। ओके जी, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो अपनी ज़ुबान जो है वो अपने मुँह से बाहर नहीं निकाल सकता? कौन सा जानवर है? सॉरी okay, जी क्या शेयर करेंगे? मैं शेयर करूंगा कि आजकल हम ना एक दूसरे पे शक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको अगले पे ट्रस्ट करना वैसे तो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल काम है। नो, तो हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो इसी से आगे जाके फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त। तो अच्छा, टिप बताएंगे कोई कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट अपना बिल्ड करने के लिए क्या करें? आप कह रहे हैं ना लोग एक दूसरे पे शक करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो जिससे आप हैं आप नहीं करते शक, तो आप क्या फील करते हैं जब आपके माइंड में कोई गलत बात आए तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं नहीं, अपने आप को समझाते हैं? हाँ जी, अपने आप को समझाता हूँ कि भाई नहीं, चलो दरगुजर करना चाहिए, यही अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। यू वेलकम जी। नाज़रीन, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बिल्कुल, क्योंकि एक शक जो है वो कई जो रिलेशन है वो तबाह कर सकता है, तो नहीं होना चाहिए शक। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनाहिल। आपका नाम? मुस्तफा। ओके, कौन सी क्लास में हो? फाइव क्लास में हो। इतने जल्दी? हाँ। अभी तो बहुत छोटे हो। नहीं, मैं 4 ईयर्स का हूँ। ओह अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं या पापा? मामा। अरे क्यों? क्योंकि मुझे बताओ खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद करते हो खाने? नगेट्स। नगेट्स। और ड्रिंक कौन सी पसंद है? वाइट ड्रिंक। अरे वाह। और कार्टून कौन से पसंद है? वीटा रोबोट। वाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है। ओके जी, आपका? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये आपके भाई? नहीं, नेफ्यू है। नेफ्यू है, ओके जी। मुझे ये बता दें आपसे, मेरा क्वेश्चन है वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर 1999 तक मोबाइल फ़ोन नहीं था? I don't have idea. क्या शेयर करेंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ लोगों के साथ कि आजकल के दौर में हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। मींस आजकल का दौर है कि लोग किसी मींस तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि वो दूसरे कामों में ज़्यादा जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ ज़्यादा जाए। वेरी नाइस। क्या सुनाएंगे? पोएम? ABCDEFG
आती? आप तो 5th क्लास में हो, एबीसी भी नहीं आती? नहीं। 5th क्लास में टीचर ने एबीसी नहीं सिखाई? नहीं। ओहो, अच्छा क्या नाम है आपकी टीचर का? टीचर जारा। टीचर जारा? अच्छा ये लो, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। यू वेलकम जी नाजिन, बहुत प्यारा बच्चा था और बहुत एक्साइटेड था। ही वाज लाइक कि कब बात खत्म और मैं गिफ्ट ले लूं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है इधर ही मॉल में। ओके, नाम क्या है आपका? खावर नवाज। खावर नवाज, ओके। चलिए जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। मुझे ये बता दें आप कि वो कौन सा जानवर है जो अपनी जुबान है वो अपने मुँह से बाहर नहीं निकाल सकता? बात नहीं है, चले मुझे बता दें वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर 1999 तक मोबाइल फोन नहीं था? तमाम मुमालिक पे। अरे नहीं, क्या शेयर करेंगे आप? मैं एक रेसिपी शेयर करूँगा, जो नॉर्मली मैं घर में खुद ही कुक करता हूँ। उसके लिए स्पेशल, बल्कि उस रेसिपी के लिए मुझे रखा गया है घर में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो है कीमा कोयले की दम वाला। तो उसमें कीमा फ्राई किया जाता है, ठीक है, जो घरेलू मसाले जो होते हैं वो बीच में डालें, ठीक है, लास्ट में उसको कोयले के दम के साथ आप ढांपते हैं, 5-10 मिनट दम दें उसे और उसे आप इंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। वेरी नाइस। किसको बना के खिलाते हैं घर में? पूरे घर वालों को। पूरे घर वालों को, जबरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। यू वेलकम जी नाजिन, उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई। अब ये अच्छी है या नहीं तो आपको ट्राई करने के बाद पता चलेगा। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मीनू। क्या करती हैं आप? मैं घर का काम करती हूँ। जबरदस्त। क्या शॉपिंग करने के लिए आई हैं आप? मैं खाने पीने के लिए आई हूँ। ओके, क्या खाने का इरादा? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? मुझे फजीता। फजीता पसंद है, ठीक हो गया। चले जी, कभी खुद बनाया पिज्ज़ा? इतनी मेहनत नहीं की मैंने। हाँ, आराम से जब मिल जाता है तो ऐसी चीज पे बंदा कहता है चलो। ये चीज़ ना इन रूटीन नहीं है, कभी कभी, और फिर इतनी एफर्ट करके फिर बंदा खाए तो वो इतना मजा नहीं। इसके साथ आई हैं? जो वैसे खाया जाए तो वो ज्यादा मजा। इसके साथ आई हैं, फैमिली के साथ? जी बिल्कुल। ओके चले जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ओके, रेडी हैं आप? मुझे बताएं कि जो हम मैट्रेस होता है, जो घर का जो मैट्रेस होता है बेड का, वो उसका वजन जो है वो कितने अरसे बाद जो है वो बढ़ जाता है, तकरीबन डबल हो जाता है? कितने अरसे बाद? कितने अरसे बाद तकरीबन डबल हो जाता है? ये डिपेंड भी करता है क्वालिटी ऑफ द। अगर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी में है तो फिर मेरा ख्याल है आफ्टर 6-7 इयर्स मेरा ख्याल। डबल हो रहा है वजन? डबल नहीं, बढ़ जाता। मैं डबल पूछ रही हूँ। 10-12 इयर्स कर लो। चले एक बता दें, 10 और 12 में से? मेरा ख्याल 12। रॉन्ग। 10 राइट था। चले जी, क्या शेयर करेंगे? खाना पीना मज़ेदार काम है, लाहौरी है, खाना पीना मज़ेदार लगता है, टिक्का बनाना, टिक्का खाना, ये मज़ेदार काम है। चलो उसकी रेसिपी बता दें। उसको मैरिनेट करें, बाजार से आपको मसाला मिल जाता है वो, उसमें डालें, दही डालें, नींबू डालें, वो मैरिनेट हो गया है, तो उसके बाद आप उसको बना लें, दैट्स इट। ओके, अच्छा टिक्के बनाते वक्त मतलब सीख पे ही बनाना है तो अक्सर हार्ड हो जाते हैं? उसके लिए आप थोड़ा सा, एक तो मैरिनेशन ओवरनाइट हो तो भी ठीक रहता है, उसके अलावा उसमें साथ ऑयल इस्तेमाल करें तो भी वो ठीक रहता है। जबरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। ये वेलकम जी नाजरीन, उन्होंने टिक्कों की रेसिपी बताई तो जरूर ट्राई करिएगा। जी नाजरीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का।